स्टडी मतलब अगेन दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिसका मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, मतलब सेंटेंस का मीनिंग बगैर बदले उसी फॉर्म में रख देना, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, हम लोग वन बाय वन एक एक मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है सेंटेंस कंटेनिंग यूजिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को लगाना, एडवर्ब टू को लगाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एडवर्ब टू प्लस एक एडजेक्टिव, ये इसका एक फॉर्मूला है या रूल समझ। ठीक है दोस्तों, आइए पहला सेंटेंस। जैसे He is so old that he can't run. He is so old that he can't run. आपको so और that plus subject plus can't को यहां से रिमूव करना है और एडवर्ब टू का यहां पर यूज करना होगा। जैसे ही इज, इतने की जगह सो की जगह टू ओल्ड, और इतने की जगह पर हमको क्या यूज करना होगा? इन्फिनिटिव। ही इज टू ओल्ड टू रन, एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव लगाना था, सो को हटाकर हमने यहां पर एडवर्ब टू लगाया और यही एडजेक्टिव यहां पर रिप्लेस कर दिया गया, और ये दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट की जगह पर हमने क्या रखा? जो इसकी वर्ब थी उसी वर्ब को रख लिया। आप इसको यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस टू प्लस वर्ब। समझ में आया दोस्तों? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे She is so clever that she cannot be or can't be cheated. She is so clever that she cannot be cheated or can't be cheated. आइए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वही उतार देंगे, आपको ख्याल ये रखना है कि ये सो एडवर्ब टू में बदलेगा और ये दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट को आप इन्फिनिटिव बदल देंगे। याद रहे इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं, She is, so को हटाकर क्या कर देंगे दोस्तों? Adverb too. She is too clever. इतने की पूरी की जगह पर that, the subject, the stand की जगह पर infinitive. Too और यही be की, be ये एक verb है, इसलिए इसको उतार देंगे, to be cheated. ये हो गया आपका एक अगला example. समझ में आया दोस्तों? अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा और होपफुली आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। जैसे आई वॉज सो पुअर दैट आई कुड नॉट पे माई फी। 10 सेकंड में आपको देता हूं और इसको सॉल्व कर बताएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा आया या नहीं आया। आइए देखते हैं किसका किसका सही हुआ सेंटेंस। तो जैसा बताया गया था, आई वॉज सो, इसकी जगह एडवर्ब टू लगाना होगा हम लोगों को। आई वॉज टू, एडजेक्टिव को उतार देंगे, टू पुअर,
कितने की जगह पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट की जगह पर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भूलना नहीं दोस्तों। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों का आना बहुत जरूरी है। ये हो गया टू, और ये रही वर्ब, ये यहाँ वर्ब उतार देंगे टू पे माई फी। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और सही हुआ होगा। अगर गलत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।